हाय एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन। अब हम करेंगे द नेक्स्ट पार्ट का। लास्ट क्लास में हमने क्या छोड़ा था? वेजरिंग एग्रीमेंट वाला पॉइंट से छोड़ा था, ठीक है। और ये फर्स्ट चैप्टर के हमारे 44 क्वेश्चन आंसर्स है। अब मैं उसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, वॉइड एग्रीमेंट का सेक्शन कब आता है? हमने हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट का क्या सेक्शन होता है, फिर हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या सेक्शन होता है, वॉइड एग्रीमेंट का सेक्शन क्या होता है। सो इसका सेक्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन 2, सब सेक्शन जी। वॉइड एग्रीमेंट जो शुरू से गलत होता है उसका सेक्शन है ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन 2, सब सेक्शन जी। याद कर लीजिए। नेक्स्ट, वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल सॉरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आइदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट वाला केस। अब आइदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने वॉइडेबल आता है, वो जो कोहर्जन वाली एग्जांपल नहीं हमने करी थी, डराना धमकाना, वो एक्सप्लेन करते हैं। किसी ने मुझे किडनैप कर लिया, ठीक है जी, फिर किडनैप कर लिया और बोला मेरे पापा को कि अगर आपने इस पेपर पर साइन नहीं करे तो हम आपकी बेटी को मार देंगे, डराया धमकाया। सो अपनी बच्ची की जान के लिए क्या किया उन्होंने? साइन कर दिए। अब साइन कर दिए और बाद में फिर जाकर कोर्ट में जब आप जाते हो, लेट सपोज आपकी बेटी छूट गई, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आपको अभी भी डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को नहीं डराया धमकाया गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे कोहर्जन डरा धमकाकर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया। सो जो हमारा फ्रॉड होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर हमारा ये क्या कहते हैं कोहर्जन होता है, ये सभी वॉइडेबल में आते हैं। ओके, तो ये मतलब क्लियर हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। ये किस में आता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन आई, वॉइडेबल सेक्शन 2 सब सेक्शन आए। ओके, और वर्ड था हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन जी। सेक्शंस के मैच डॉ कॉलम आ जाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन छोटे छोटे बनाए हैं, पेपर में क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, चार ऑप्शन डालकर मैच डॉ कॉलम, बट छोटे छोटे करोगे तभी तो बड़े याद होंगे ना, इसीलिए इसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, चलिए नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? ए ने बी को काम के लिए बुलाया और बोला कि मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा, जो कि सी फिक्स करेगा और बी काम कर लेता है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी फिक्स कर सकती है, रेम्यूनरेशन चलेगा। ए एंड बी प्रॉमिस टू मैरी इच अदर। याद रखिए, शादी करना भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड। बच्चे ज्यादातर ये ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कि शादी करना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। सी, आप पब्लिक व्हीकल दैट इज बस में ट्रेवल कर रहे हो, ऑब्वियसली बस में ट्रेवल करते हो, आपको टिकट मिलती है, वो जो टिकट मिलती है ना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सबूत है, दैट इज ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। सो आप पब्लिक सीट पर जाते हो, बैठते हो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। ए इनवाइट बी टू ए कार्ड पार्टी, बी एक्सेप्ट द इन्विटेशन। सो बर्थडे पार्टी पर बुलाया, बर्थडे पार्टी पर बुलाना एक एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। लिख लीजिए अपनी अपनी नोटबुक पर, साथ साथ YouTube है, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, जब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है तो आप उसे पॉज करो, क्योंकि आपको पता है मैंने साथ में समझाना शुरू कर देना है, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो आप पॉज करके आंसर देंगे। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट? पॉज करेंगे और खुद आंसर देंगे, फिर मेरा आंसर देखेंगे। एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी वॉइड एब इनिशियो, होता है ना, माइनर के साथ एग्रीमेंट करो शुरू से गलत होता है। वर्ड एबिनिशियो का मतलब होता है आरंभ से ही शून्य, दैट इज रॉन्ग। तो पहला ही हमारा गलत ऑप्शन है। ए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वर्ड एबिनिशियो, बिल्कुल माइनर के साथ शुरू से गलत होता है। तो ए और बी तो वैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है, ए कह रहा है कि होता ही नहीं है, बी कहता है कि नहीं होता है, तो यस बी सही है। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट ऑल द पार्टीज, बिल्कुल याद रखना, जो हमारा वर्डेबल होता है आइदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, वो सफरिंग पार्टी को दिया जाता ऑप्शन, मतलब जिसके साथ गलत हुआ जाता है होता है। फॉर एग्जांपल, जिसको डराया धमकाया जाता है, सो जिसको डराया धमकाया जाता है उसके ऊपर ये ऑप्शन होता है कि हम एक्सेप्ट करें या ना करें। सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, कहते कई बार एक जिसको डराया धमकाया, कई बार एक पार्टी होती है, कई बार एक से ज्यादा होती है, बट सारी नहीं। सारी क्यों नहीं? क्योंकि इसमें डराने धमकाने वाली पार्टी भी तो होगी ना, जो जो अत्याचार कर रही है। सो जो अत्याचार कर रही है उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो।
कॉन्ट्रैक्ट कैन भी वैलिड एब इनिशियो, यस शुरू से सही हो सकता है जब हम 10 के 10 असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करते हैं, दैट इज वैलिड एब इनिशियो, सिंपल। सो फर्स्ट इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके नेक्स्ट चलते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए कहते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट वॉइड, नहीं इलीगल एग्रीमेंट भी तो शुरू से गलत हुए ना, किसी की सुपारी दे रहे हो, किसी को मार डाड़ रहे हो, तो इलीगल है, शुरू से गलत है। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर इलीगल। वॉइड क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट तो वो भी हो गया माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर किसी को बर्थडे पार्टी पर बुलाना। अब किसी को बर्थडे पार्टी पर बुलाना इलीगल थोड़ी हुआ, इसलिए ये उल्टा लिखा है। एक्चुअल में लाइन बनती है जो आपने याद भी करनी है, सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं बट सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते। यहां पर नॉट लगेगा और यहां पर नॉट हटेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, नहीं इज वॉइडेबल, क्योंकि जो सफरिंग पार्टी होती है उसी के ऊपर होता है ना कि वॉइडेबल हो। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। इलीगल नहीं वर्ड होते हैं जो इमोरल नेचर के होते हैं, ठीक है जी, वो वॉइड एग्रीमेंट के केस में आते हैं, हमने करा भी है 10 एसेंशियल एलिमेंट्स में। सो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ऑप्शंस गलत है। प्लीज इन सारे ऑप्शंस को अपनी नोटबुक पर भी जरूर लिखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, जब हम एग्रीमेंट दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में कानून जोड़ देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एग्रीमेंट इज एक्सेप्टेबल प्रपोजल, बिल्कुल एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, किसी ने ऑफर दैट इज प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, बोथ दोनों ठीक है। खुद बोल रही हूँ मैं, ये फटाफट करवा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, आप पॉज करके आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब प्रॉमिस का भी सेक्शन यहाँ पर याद करेंगे, प्रॉमिस का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी, क्योंकि ये ठीक है। एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल प्रपोजल है ऊपर करा, एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, नो मैम एग्रीमेंट गलत भी तो होते हैं, जैसे वर्ड एब इनिशियो हो गया वो हमारा दैट इज माइनर वाला केस हो गया या फिर इनविटेशन बर्थडे पार्टी वाला हो गया, तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? हाँ सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। सो आप ये लाइन अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल एग्रीमेंट में तुम कानून जोड़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। पैरल कॉन्ट्रैक्ट, गाइस पैरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके सिंपल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? जो जिसमें कोई फालतू कोई कंडीशंस नहीं होती है। इन केस देयर इज एरर इन कंसेंसस, कंसेंसस मतलब कि उन्होंने हाँ में हाँ नहीं मिलाई सामने वाले ने, तो एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट होगा वॉइड, गलत। एम्बिगुअस एंड अनसर्टन एग्रीमेंट्स आर डिफाइंड अंडर, जो एम्बिगुअस होते हैं अनक्लियर होते हैं अनसर्टन, जिसके बारे में पता नहीं होता, जैसे होता है ना कई बार बोला जाता है बारिश होगी तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, बारिश का पता थोड़ी आएगी कि नहीं आएगी। सो अनक्लियर अनसर्टन कॉन्ट्रैक्ट आते हैं सेक्शन 29 के अंदर, याद रखें सेक्शन 29 के अंदर। सेक्शन 26 के अंदर क्या आता है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मैरिज ठीक है जी, आप मैरिज माइनर को छोड़कर आप मैरिज के रिगार्डिंग सौदा करते हो, दैट इज रॉन्ग। फिर 27 आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आने के कारण करते हो तो दैट इज रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी जिसका सेक्शन था 29। ओके अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, मतलब बिहेवियर से पता लग जाता है, ठीक है जी, उसे क्या बोलेंगे? जैसे बिहेवियर से पता लगा, इम्प्लाइड भी जिसे बोलते हैं कि आप खाना खा रहे हो तो ये इन्फर्ड है कि आप पैसे दोगे दोगे, फ्री में तो मिल नहीं रहा, मामू की दुकान तो है नहीं, दैट इज टेसिट अकाउंट, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो इनको टेसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, याद रख लेना अपनी अपनी नोटबुक पर लिख लो। नेक्स्ट हमें ज्यादा जल्दी नहीं आगे, इसमें 22 तक करा था ना हमने, एक बार चेक कर लेते हैं हमने कितने क्वेश्चन आंसर्स करे हैं।
ओके यस, टेक्निकल डिफेक्ट ये सब कर चुके हैं, सो सॉरी। मुझे लगा बीच में कोई छूट तो नहीं गया। ये भी कर लिया हमने, नॉट कॉन्ट्रैक्ट है ये भी कर लिया था। पैरल सिंपल हो गए, ठीक है। एम्बिगुअस वाला भी कर लिया, ये इन्फर्ड वाला भी कर लिया। एक्स एक कुली है जिसने क्या करा, वाई का लगेज रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया टैक्सी तक विदाउट बीइंग आस्क। वाई को बोला भी नहीं कि सर मैं आपकी आपके लिए लगेज ले जाऊँ टैक्सी के लिए, बट वाई ने मना भी नहीं करा। वाई ने हाँ भी नहीं करा, मना भी नहीं करा। अब जब बंदे ने ना नहीं करा, इट मीन्स यही होता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। तो इस चीज़ को क्या हम बोलेंगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? यस ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या वाई जो है बाउंड है टू मेक द पेमेंट टू एक्स? तो यस। क्यों तुम मना कर देते फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता? तो इसका आंसर है यस, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक्स इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल, डिसाइडेड टू सेल टू वाई 100 टन ऑफ ऑयल, बट द प्राइस इज नॉट फिक्स। अब प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस फिक्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब कई लोगों को लगता है ये अनसर्टन होगा कि प्राइस फिक्स नहीं है। नो, अनसर्टन का मतलब है जो चीज़ पता नहीं है होगी कि नहीं होगी। प्राइस तो आप फिक्स कर सकते हैं आराम से, जैसे बारिश होगी कि नहीं होगी ये आपके हाथ में नहीं है, पर प्राइस फिक्स करना आपके हाथ में है। सो ये आपने गलत किया, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्स एंड वाई एंटर इन टू एग्रीमेंट कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, और दोनों ने करा भी, सो दैट इज वैलिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वैलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्लस एनफोर्स, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी होता है, बिल्कुल सही। एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, बिल्कुल सही। बोथ आर करेक्ट। थर्टी एट, एक्स एंड वाई बोथ बिलीव दैट, एक्स एंड वाई बोथ बिलीव दैट कि एक पर्टिकुलर राइस जो है वो मार्केट में 10,000 रुपये पर क्विंटल बिकते हैं। एक्स ने राइस बेच दिया 10,000 रुपये पर क्विंटल, बट बाद में पता लगा कि वो तो 12,000। बट याद रखिए, जब दोनों पार्टीज को नहीं पता कि क्या प्राइस था, तो इसमें कोई गलती नहीं हुई। दोनों, किसी ने धोखा तो नहीं ना करा, किसी ने कुछ गलत तो नहीं ना बोला। सो इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइस आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। हाँ, अगर एक को लगता होता कि ये 12,000 का, फिर भी वो 10,000 रुपये बोलता, तो वो गलत होता। तो इसीलिए ये वैलिड है। एक्स ने एग्री करा कि वो अपनी मारुति कार बेचेगा 80,000 या 90,000, देखो प्राइस फिक्स नहीं है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि सर्टेनिटी होनी चाहिए, या तो 80,000 बोलो या तो 90 बोलो, प्राइस की सर्टेनिटी नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारे हैं 10 बताए थे, ये चार ऑप्शन इसमें से। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब ये एक छूट गया था और एक लीगल एस्पेक्ट वाला है ना, एक दो मैंने नहीं करवाए, बाकी सारे आपको करवा दिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको फ्री में कोई चीज़ नहीं दूंगी, मैं आपको कार दूंगी फ्री में नहीं, ये कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं है, आपको भी सामने से पैसे देने पड़ेंगे कार के। कंसिडरेशन का ये मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, अगर कुछ दिया है तो कुछ लोगे भी। कंपिटेंट पार्टी वही होगी 18 साल से ऊपर वाला, फ्री कंसेंट, डराना धमकाना नहीं है। सो यस, ऑल आर द कंपोनेंट्स। एग्रीमेंट इज सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, वैसे एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल भी होता है, बट ये जो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, तो अगर बोथ होता तो बोथ आ जाता, बट चार ऑप्शन में से चूज करेंगे तो टेक्निकल वर्ड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, क्योंकि दोनों प्रोमिस करते हैं ना, पहला करता है हाँ मैं पैसे दूंगा, दूसरा कहता है हाँ मैं तेरे को चीज दूंगा। सो यस, लेखपाल ने प्रॉमिस करा कि मैं 5 लाख रुपए अपने बेटे को दूंगा अगर उसका सीए का एग्जाम क्लियर हो गया, बच्चे का सीए का एग्जाम क्लियर हो गया। अब क्या सन उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? याद रखे, इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। आपने सारे ऑप्शंस पढ़कर आंसर देना है, पॉज करके, ऐसे ही फटाफट नहीं, नहीं तो इतनी अच्छे से समझ नहीं लगेगा और मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और मैं फटाफट इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप की टाइम भी हमारा बचे, और जो बच्चे क्विक लर्नर है वो फटाफट भी रिवाइज कर सके, जो स्लो लर्नर्स है वो पॉज करके काम करेंगे। मुंबई, एम ऑफ मुंबई ने इनवाइट किया के ऑफ कोलकाता कि उसके साथ रहो वेकेशन में, उसने एक्सेप्ट कर लिया।
जब KM के घर पहुंचा तो उसने देखा वो घर लॉक है और उसे 5-स्टार होटल में रहना पड़ा। क्या वो उसका खर्चा 5-स्टार होटल का या डैमेज उससे क्लेम कर सकता है? नहीं मैम। क्यों? क्योंकि सोशल एग्रीमेंट को लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करते, और ये सोशल एग्रीमेंट था, इसमें बी और सी दोनों आएंगे। ऊपर वाले ऑप्शन में भी दोनों ऑप्शन होते तो आ जाते। सो बेसिकली इसमें दोनों ही पॉइंट्स आएंगे, एक लीगल रिलेशनशिप नहीं है, लीगल नहीं है तो क्या है? सोशल है। सो बोथ बी एंड सी आर द आंसर। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जब दो पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर बनाती हैं तो उन्हें हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला, मैंने बिना जाने हुए कि सी बी क्या बोल रहा है, मैंने बी को बोला क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, सेम टाइम पर बी भी मेरे को बोल रहा है क्या तुम मेरी कार बेचो, अपनी कार बेचोगे। सो दोनों सेम ऑफर दे रहे हैं तो वो कभी भी वैलिड नहीं होता, क्योंकि इस हमारे चैप्टर का ये रूल है कि एक ऑफर देगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ये माने जाते हैं क्रॉस ऑफर्स। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। दिस इज माई नंबर। दोज हु वाना ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक फॉर फर्दर क्लासेज और एट अनअकैडमी, और दोज हु वाना नो अबाउट द नोट्स, वाना परचेज नोट्स, दे कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ओवर हेयर। माई नंबर इज दिस। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये यहाँ से हमारे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। इसका नाम क्या है हमारा, विच इज़ द नेम दैट इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इससे टाइप्स भी हो जाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।